बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वन न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही हम खबर लेके आते हैं, जो भी नई अपडेट आती है दुबई से, यूएई से, इमारात से, अबूधाबी से, रसूल खैमा से, मलकुएन से, शारजा से। देखें दुबई की 7 रियासतों में से जो भी नई खबर आती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारे प्यारे व्यूअर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक बात पहुँच जाए। उन्हें हर बात का पता होना चाहिए जो भी नई खबर आती है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, दुबई हुकूमत ने एक और बड़ी पाबंदी ख़त्म कर दी है। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह जो हमारे चैनल पे फर्स्ट हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो बहुत अहम है, ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत अच्छी लेके आए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दुबई के अंदर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें आज की न्यूज़ अपडेट बहुत अहम होने वाली है, गौर से सुने। बात यह है कि बहुत ज़्यादा दुबई में कोरोना की वजह से बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां दुबई हुकूमत ने लगाई हुई थी, तो आज दुबई हुकूमत ने एक बहुत बड़ी पाबंदी ख़त्म कर दी है। वो क्या है? बात यह है कि पब्लिक, उन्होंने बस जो है क्लोज़ की हुई थी कोरोना की वजह से, अभी पब्लिक बस भी ट्रांसपोर्ट है, जो जिसे हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, ओपन कर दी। दूसरी बात यह है कि वो मेट्रो बस भी उन्होंने क्लोज़ की हुई थी कोरोना की वजह से, अभी मेट्रो बस भी उन्होंने ओपन कर दी है। मेट्रो ट्रेन भी है, उसको भी ओपन कर दिया। पब्लिक बस है, उसको भी ओपन कर दिया। जो मेरे भाई किसी भी दुबई की रियासत में जाते थे तो उनका किराया बहुत ज़्यादा लग जाता था, ख़र्चा बहुत डबल पे करना पड़ता था। अभी आप लोगों को ख़र्चा डबल पे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेट्रो बस भी ओपन हो चुकी है, मेट्रो ट्रेन भी ओपन हो चुकी है। ये बहुत बड़ा ऐलान है दुबई हुकूमत की तरफ से। जो मेरे भाई दुबई के अंदर है, मजदूर तबका है या नीचे तबके हैं, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी काम करता है, तो वो अगर काम पे जाते थे या किसी दूसरी जॉब पे जाते थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती थी। वो टैक्सियों में जाते थे, बहुत ज़्यादा किराया लगता था। अभी मेट्रो ट्रेन उन्होंने ओपन कर दी है और पब्लिक बस भी ओपन कर दी है। अगर आप दुबई में किसी भी सिटी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है दुबई हुकूमत ने। दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जो भी पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं, पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि दुबई हुकूमत ने बहुत बड़ी पाबंदी ख़त्म कर दी है। पाबंदी ये थी कि मेट्रो ट्रेन भी उन्होंने क्लोज़ की हुई थी कोरोना की वजह से, और पब्लिक बस जो जिसे हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, उसको भी क्लोज़ किया हुआ था, उसको भी ओपन कर दिया था। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।